आज हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर दांतों और मसूड़ों से खून आता है या फिर जिंजिवाइटिस हो जाता है तो वो क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। दूसरा, हम लोग प्रेगनेंसी ट्यूमर के बारे में जानेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अगर दांतों और मसूड़ों में या डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कब करवाना चाहिए और सेफ है या नहीं है। इसके अलावा अगर दांतों में तेज़ दर्द हो जाता है तो कौन कौन सी होम रेमेडीज़ से ठीक किया जा सकता है, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि दांतों और मसूड़ों में प्रेगनेंसी के दौरान खून क्यों आता है, इलाज क्या है और प्रेगनेंसी ट्यूमर क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं, दांतों और मसूड़ों में से खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से मेन कारण है हॉर्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं और हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, उसी वजह से गम से ब्लीडिंग होती है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन्स होते हैं, उनमें चेंजेस के कारण प्रेगनेंसी के दौरान दांतों और मसूड़ों से खून आता है और ओरल प्रेगनेंसी ट्यूमर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। प्लाक एक्यूमुलेशन क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उस टाइम क्या होता है कि मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते हैं, उस वजह से प्रॉपर ओरल केयर नहीं हो पाती है। दिन में दो बार ब्रश करना, अच्छे से माउथ वॉश यूज़ करना, कुल्ला करना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी वहाँ पे प्लाक का एक्यूमुलेशन हो जाता है और प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से भी गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट इनटेक की वजह से भी गम ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा लेते हैं और स्ट्रेस भी काफ़ी लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये तो है जिंजिवाइटिस के कारण। अब हम लोग जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने मसूड़ों की क्लीनिंग करवाइए, यानी कि स्केलिंग करवाइए, और अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कीजिए। दिन में दो बार ब्रश यूज़ कीजिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए, थोड़ा पेस्ट को कम मात्रा में लीजिए और अच्छे से ब्रश कीजिए। इसके अलावा आप माउथ वॉश भी, अल्कोहल फ्री जो माउथ वॉश जाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। दिन में दो या तीन बार आप माउथ वॉश से कुल्ला कीजिए। इनके अलावा आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप से आप अपने गम्स में ब्लीडिंग या फिर जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप इसी टाइम इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो मसूड़ों की जो एडवांस डिजीज़ होती है, जिसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम आपको नहीं होएगी। तो आप स्टार्टिंग में ही, जैसे ही गम से ब्लीडिंग होना शुरू होता है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको ट्रीट करवा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओरल प्रेगनेंसी ट्यूमर। प्रेगनेंसी ट्यूमर का नाम सुनते ही कुछ लेडीज़ है वो डर जाती हैं। ये कोई ट्यूमर या फिर ओरल कैंसर नहीं है, ये सिर्फ हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपके गम्स होते हैं, मोस्टली ये फ्रंट जो टीथ होते हैं उनके जो ऊपर जो गम होते हैं उसमें दिखाई देता है। ये यहाँ पे ओवरग्रोथ हो जाती है, जो गम्स होते हैं उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है। उस ओवरग्रोथ की वजह से सिस्ट जैसा कुछ डेवलप हो जाता है, उसी को ओरल प्रेगनेंसी ट्यूमर बोला जाता है। ये जो ट्यूमर है वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर और 8 मंथ तक बन सकती है। ये लगभग 60-70% प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखी गई है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी घबराहट हो रही है या डर लग रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवा सकते हैं। बाकी ये समय के साथ, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ये जो ट्यूमर है, प्रेगनेंसी ट्यूमर है, ये एकदम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपना जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन रखना चाहिए। पहले ही इसका आप ध्यान रख सकते हैं।
प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहिए ताकि ये प्रॉब्लम होए ना। आपका डेंटिस्ट आपके दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करेगा, अच्छे से देख रेख करेगा, जिसकी वजह से आपके ये जो कंडीशन है वो होएगी नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।